पहाड़ की महिलाएं कई क्षेत्रों में अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं, और आप ये देख सकते हैं कि जो यूनिट यहाँ पे है, ये कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, जिसमें घर में सफाई की जो आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं, या फ्रेशनर्स आप कमरों में लाने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो और भी तरह की खुशबू से रिलेटेड आप सामान यूज़ करते हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पे बनाई जा रही हैं। और मेरे साथ यहाँ पे हेमलता कंडवाल जी हैं, जो एक घरेलू महिला हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके ये लघु उद्योग यहाँ पे विकसित किया है। भाऊवाला ये जगह है देहरादून के पास, और कई तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स वो बना रही हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स मार्केट से आ रहा है। हेमलता जी, सबसे पहले तो आपको बताइए कि आपने हिम्मत करके यहाँ पे लघु उद्योग डेवलप किया है, विकसित किया है, और बहुत सारी चीज़ें आप बना रही हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, जो कि टॉयलेट्स, क्लीनर वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें आप बना रही हैं यहाँ पर? सर, इसमें हम हैंड वॉश बना रहे हैं, क्लीनर है, ये टॉयलेट क्लीनर है, ये रूम फ्रेशनर है, डिश वॉश है, इको फ्लोर क्लीनर, ये ग्लास क्लीनर साइन का कांच अच्छा, कांच सफेद ग्लास का, जी, और ये हमारा इसमें, हाँ, और फ्लोर क्लीनर और भी हैं, नाइल हैं, और इसमें खास बात यह है कि सारे ये हर्बल प्रोडक्ट हैं, जी क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड को आयुष प्रदेश ही बोला जाता है, तो पहाड़ों में जो भी जड़ी बूटियां या उस तरह की चीजें हो रही हैं, जिन्हें आप यूज करके डिसइन्फेक्टेंट्स बना सकते हैं, उन चीजों को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, कि जो लोकल लेवल पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी खरीद के आप लोग ला रहे हैं यहाँ पे, और इस तरह से जो स्थानीय किसान हैं उनको भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जी क्या क्या चीजें खरीदते हैं आप यहाँ पे बाजार से या खेतों से, किसानों से? लेमन ग्रास हो गया, दूसरा मेरे साथ शिवाजी भी क्या हैं, जो उनका सहयोग करते हैं यहाँ पे इस यूनिट को आगे बढ़ाने पे, और खासतौर पर जो मार्केटिंग का काम है वो शिवाजी संभालते हैं, तो शिवाजी से ही बातचीत करेंगे। शिवा भाई, ये जो चीज़ें यहाँ पे बन रही है, हालांकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स मार्केट में पहले से इस्टेब्लिश हैं, उनका नाम हो गया है, उनके पास मार्केटिंग के लिए काफ़ी पैसा है, तो लोगों की जुबान पे वही नाम चढ़े हुए हैं, जबकि ये प्रोडक्ट बेहतर हो सकते हैं उनसे, तो आप इस स्थिति को कैसे संभाल रहे हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आप यहाँ पे आए हो और आपने एक महिला को देखते हुए सम्मान किया है उनका, कि वो अपने गांव में भी आ सकते हैं और आज देहात में भी सकते हैं। आज अगर हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट की और एक उन ब्रांडों की जो एक नामी गिरामी ब्रांड है, अगर हम दाम की बात करते हैं तो कम से कम अगर देखा जाए तो हर प्रोडक्ट में हमारा 5 से 10% रेट हमारे कम है। क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी हमारी उनके लगभग बराबर है, हम किसी को नीचे नहीं गिराएंगे कि हम ज़्यादा अच्छे हैं या वो बेकार हैं। उनके पास पैसा है मार्केटिंग करने के लिए, बट हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अभी धीरे धीरे हमारा काम बढ़ रहा है। अगर देहरादून की बात करते हैं तो काफ़ी हॉस्पिटल है, काफ़ी इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हमारा मान लगभग लगभग डेली जा रहा है और एक अच्छे स्तर पर जा रहा है। बट हम एक चाहते हैं कि उत्तराखंड का भी एक ब्रांड बने और जो पूरे एक विश्व में जाना जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने दवा बना रखी है, 12 महीने बाद फेंकनी फेंकनी है, लकड़ी लाइन
तो यहाँ पे जो चीज़ें बन रही हैं इनको सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाना है और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो खेतों में लोग अपना उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो जड़ी बूटियों का हो चाहे फलों का हो, तो इस तरह की जो यूनिट्स हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको जो बाजार है वो उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। तो कम से कम जो सरकारी विभाग हैं और सरकारी जो व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ ये माल पहुँच सकता है वहाँ सरकार को इन्हें खरीदने के लिए व्यवस्था जरूर बनानी चाहिए। जागो उत्तराखंड के लिए भाऊवाला देहरादून से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।